हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मल्टीवर्क स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज हम इस पन्नी की मदद से एक गुलदस्ता बनाएंगे जो बहुत ही ब्यूटीफुल बनेगा और आपको भी एक सीख मिल जाएगी कि आप इस वेस्ट पन्नी को फेंके ना और इससे अच्छा आप गुलदस्ता बना सकते हैं जो कि हम इसे काटने के बाद में कुछ इस तरीके का ये आपको दिखने वाला है। तो इसके लिए आपको ये जो बेस एरिया यहाँ से काट लेंगे और इसे भी काट लेंगे। फ्रेंड्स, ऐसी पन्नी पुड़िया जो भी हो, अगर एक कलर में है और अच्छे कलर में है, लुक अच्छा उनका है, तो आप ना फेंकें, उससे एक बेहतर गुलदस्ता बना सकते हैं। तो आज हम वही गुलदस्ता बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, हमने सारी पूड़ियाँ काट ली है पन्नी की। तो यहाँ पर हमने जो उसका अच्छा एरिया था उसे निकाल लिया, बाकी सारा खराब एरिया काट के निकाल दिया है। और अब हम इसे कैसे काटेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। हमें इसे पतले पतले काट लेने हैं इस मोटे एरिए को छोड़कर। जो यहाँ पर टाइट एरिया है इसे नहीं काटेंगे, बस इतना ही रखेंगे, क्योंकि जब हमें इसे मोल्ड करना होगा तो इसी की वजह से ये मोल्ड हो पाएगा। तो हमें इसे पतले पतला इसे काट लेना है। आप देख सकते हैं मैंने कितना इसे पतला काटा है। ये इस तरीके का हो जाएगा काटने पर, ये इस तरीके का हो जाएगा काटने पर। तो हम इस पूरे पन्नी को इस तरीके से काट लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पूरा फाइनली हमने इसे पूरा काट दिया है। आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं, अभी कटे हुए हैं तभी कितने सुंदर लग रहे हैं। अब हम इसे रोल करेंगे। जितना आप मोटा चाहते हैं फूल दिखाना, मतलब जितना गजिन दिखाना चाहते हैं, उसमें आप इतने ज़्यादा ही ये फ्लावर्स लगाएँ ताकि ये बहुत सुंदर दिखे। तो हम इसे ऐसे रोल्ड करेंगे। यहाँ पर मैंने 4-5 ले लिए हैं और सबको एक साइज में लगाकर अब इसे राउंड कर देंगे। तो आप देख रहे हैं, तो मुझे भी ये थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं इसमें और ज़्यादा करूँगी। तो इसके लिए मैं भी इसमें 2-3 और मिलाऊँगी। अभी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, लाइक आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हम सारे रोल पहले कर लेंगे, उसके बाद में इसे गुलदस्ते के लिए रेडी करेंगे। इस तरीके से आप इतने ही साइज में सारे फ्लावर्स कर लीजिए। अगर आपको और गजिन चाहिए तो आप उसमें और भी ज़्यादा इसमें लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम सारे
ऐसे ही बना लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारा ये छोटी छोटी पन्नियों से जो गुलदस्ता बना है वो रेडी हो चुका है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये। इसमें हमने एक भी रुपया खर्च नहीं किया है, जो हम सामान फेंक देते हैं छोटी छोटी पन्नियाँ थी उसे मैंने यहाँ पर सब बटोर के रखा और उसे फिर ऐसी कटिंग में, जैसे कि आपने पूरी वीडियो में देखा, ऐसी कटिंग करके एक अच्छा सा गुलदस्ता बना दिया है जिसमें आपको एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ा। ये है धागे की जो अंदर की रील होती है वो है, और इसमें मैंने तार का यूज किया है इसके डंडियाँ बनाने के लिए। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं आपका जो दिल कहे, जो भी आपके पास हो। तो ये है बिना कुछ खर्च किए एक ब्यूटीफुल सा गुलदस्ता, तो आप देख सकते हैं छोटा सा क्यूट सा, बहुत ही सुंदर है लग रहा है। और वीडियो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंच पाए।